इतना जल्दी अलार्म? ये भी ना। अरे उठो जी, मैं आपसे बोल रही हूँ, उठो। अरे मेरी जान, चिल्लाती क्यों? चिल्लाऊंगी तो क्या करूं? ओके सॉरी, आज की मीटिंग मेरे लिए बहुत ही खास है, जाना जरूरी है ना। खास होगी आपकी, हमारी तो अच्छी भली नींद खराब कर दी ना। ओके सॉरी बाबा, जाओ दरवाजा खोलो, मिश्रा आया होगा, मैं जाता हूँ नहाने। हे भगवान, आ रही हूँ, रुको तो सही। हाँ देखना कहीं तुम्हारे दरवाजे पे तुम्हारा भगवान ही ना हो, मैं भी तो मिलूं उनसे, जो है ही नहीं। क्या भाभी जी, इतनी देर लगा दी, कब से खड़ा हूँ बाहर। ये लीजिए प्रसाद, शिव जी के मंदिरों कर आ रहा हूँ। ये प्रसाद आपके सबको भी दीजिए, वो सब क्या बन गए, खुद को भगवान ही समझने लगे हैं। क्यों मिश्रा, सारे डॉक्यूमेंट ले लिए ना? हाँ साहब, ले लिए। और हाँ, तुम्हारी प्यारी भाभी जी ने कुछ नाश्ता बनाया है, वो भी ले लेना। माँ कसम, भाभी जी के हाथों में जादू है। और इनको देखो, तारीफ करनी तो आती नहीं। ठीक है मेरी जान, अगर मिश्रा कह रहा है तो ठीक ही होगा। मिश्रा हेलीकॉप्टर निकालो, आज हमें बहुत जल्दी पहुंचना है। पर साहब हेलीकॉप्टर तो खराब है। क्या? हाँ हेलीकॉप्टर खराब है। अरे यार, आज की मीटिंग बहुत ही जरूरी है हमारे लिए, 11 बजे तक सोनगढ़ पहुंचना है हमें, कैसे भी करके। तुम बताओ कैसे जाएंगे हम? साहब एक रास्ता है। बोलो क्या है? पर वो रास्ता रेगिस्तान से होते हुए निकलता है। कोई बात नहीं, GPS की मदद ले लेंगे हम, लेकिन जाना है। चलो गाड़ी निकालो। मिश्रा जी। जी साहब। सीट बेल्ट बांध लीजिए। हाँ साहब। सेफ्टी फर्स्ट। चलिए साहब चलें। चलो चलो, मीटिंग में पहुंचना बहुत जरूरी है। काफी दिन हो गए मिश्रा जी, आज आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। हाँ साहब, कल मेरी कलावंदी बाइकें तो जा रही है। ओहो मिश्रा जी, आपकी तो निकल पड़ी। क्या साहब आप भी, अच्छी बात है। चलो जी। जी साहब। आपकी बीवी मायके गई, जो फॉरेन नहीं गई, जो वापिस ना आएगी। इतना तेज गाड़ी चलाने की जरूरत ना है। लो साहब धीरे कर दी। हाँ सही है। देखो मिश्रा। हाँ साहब। ये हम लोग सुबह से निकले, बातें करते करते दोपहर होगी, पता ही नहीं चला। साहब जी। हाँ। ये GPS को क्या हुआ? क्या हुआ देखो। साहब जी लगता है GPS ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। कोई बात नहीं मिश्रा जी, गाड़ी चलाते रहिए, आगे कोई रास्ता मिलेगा। ठीक है सर, तो चलते हैं आगे। साहब जी लगता है हम फिर से रास्ता भटक गए, अब क्या करें? अब
अब क्या करें? एक काम करो मिश्रा। जी साहब। गाड़ी वापस ले लो। ठीक है साहब। हम जिस रास्ते से आए थे ना, उसी रास्ते वापस चलते हैं। अब मीटिंग तो गई आपसे। अब यार बहुत भूख भी लगी है, सुबह से जो निकले हैं, और प्यास भी। सब्जी? हाँ। ये रास्ता तो वो रास्ता नहीं है, लगता है हम फिर से रास्ता भटक चुके हैं। हे भगवान। हाँ, तेरा भगवान होता तो तुम्हें नहीं भटकवाता ना, अभी रास्ता है ही नहीं। होता है साहब जी, होता है साहब। अच्छा। हाँ, कभी दिखाएंगे आपको भी। देखते हैं, तेरा भगवान होगा तो आज तो हमें तकलीफ में से बचाएगा ही। हाँ, सुबह हेलीकॉप्टर खराब हो गया, फिर हमारी गाड़ी में GPS काम नहीं कर रहा है, अब बोल रहे हो रास्ता भटक गए। कोई नहीं साहब जी, भगवान है ना, सब देख लेगा। ठीक है, तुम मानते हो होगा। मुझे तो नहीं लगता। हाँ साहब। कोई बात नहीं मिश्रा जी, गाड़ी चलाते रही, कोई तो आगे रास्ता मिलेगा। साहब जी, कानवाना चला दूं? चलाओ। मिश्रा जी, ये क्या पुराने वजन वजन लगा दिए, मॉडर्न बनो मॉडर्न कुछ। ये कुर्ता उर्ता, अरे हमारी तरह टी शर्ट विशर्ट पहनो, मॉडर्न गाने सुनो यार। क्या सोच रहे हो मिश्रा? साहब जी, साहब जी सोच रहा था कि कोई इस जगह कैसे जिंदा रह सकता है। भगवान, तुम्हारा भगवान जाने। हाँ, तुम गाड़ी चलाते रहो, ही तो रास्ता मिलेगा। अरे मिश्रा जी। हाँ साहब। हम लोग आज घर पहुंच पाएंगे कि नहीं? अगर ऊपर वाले की मर्जी हुई तो पहुंच ही जाएंगे। ऊपर वाला होगा तो पहुंचाएगा ना हमें। अब तो उन्हीं के हाथों में, वही पहुंचाएगा। अरे 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 साहब जी, क्या हुआ मिश्रा जी? आप बैठिए, मैं देखता हूँ। क्या हुआ मिश्रा जी? साहब जी, लगता है गाड़ी ने भी हमारा साथ छोड़ दिया। शिट। शिट यार। ये देखो, ये एक बार ट्राई तो करो। ट्राई करते हैं साहब जी। हाँ,
साहब जी, नहीं हो रही है चालू। ठीक है, आजा। मिश्रा। हाँ साहब। कार गई बाढ़ में, मुझे बहुत प्यास लगी, पानी पी लो। ठीक है साहब, लेके आता हूँ। लीजिए साहब जी। क्या हुआ साहब जी? अब तो पानी भी खत्म साहब जी, क्या करें अब? चलो। कहाँ? पानी ढूंढने। और क्या, सुबह से बैठे यार, भूख भी लगी है। मुझे था हरदम सहारा तेरा, समझ ना सका मैं इशारा तेरा। मूर्तियों को कह के पत्थर रहा बेखबर, अक्सर आ गया हूँ तेरे दर पर, भटका पहले था मैं दर दर। तेरे सहारे तेरे इशारे जीत लूं अब जग को सारे। पल में हारे, 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 पल में हारे। साहब जी, वहाँ पे धुआं दिख रहा है साहब जी।
लगता है कोई है वहां पे, कुछ है साहब जी। चलिए चलिए साहब जी। मिश्रा, कोई दिख रहा है, बात करो। नमस्ते जी, हम मुसाफिर हैं, यहीं कहीं जा रहे थे, रास्ता भटक गए, क्या आप हमारी मदद कर देंगे? मदद कर देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी साहब। क्यों नहीं बाबू साहब, आइए आइए, मेहमान तो भगवान होते हैं, आइए। यहां कोनो फिकर करने की जरूरत नहीं है, इस घर को अपना ही समझिए, आइए आइए। रुकिए रुकिए बाबू साहब, हम अभी बिछौना लेके आते हैं। आइए आइए बाबू साहब, आइए यहाँ बैठिए, यहाँ बैठिए, आइए। अरे माफ कीजिए बाबू साहब, हम तो आपको पानी का पूछना भी भूल गए, हबीलावत है। ये लीजिए बाबू साहब। ओ पालनहारे, हे भगवान, आप ये खाना खाते खाते क्यों भगवान को याद कर रहे हो? कोई तकलीफ है क्या? नहीं बाबू साहब, भगवान की कृपा है। फिर आप ये खाना खाने वक्त क्यों भगवान को याद कर रहे हो? का बताए बाबू साहब, हमरा मुन्ना को राम जाने किसकी नजर लग गई, पूरा दिन उल्टियां और खांसी में गुजार देता है। इस खातिर हम उनको लिए अस्पताल भी गए, वहां जो डॉक्टर बाबू कहत रहे हमरा मुन्ना को कैंसर है। हम ये नहीं जानत ये बीमारी हमारे मुन्ना को कैसन हुई, हमारा तो कलेजा ही फट गया ये जान के उसको कैंसर है। वहां जो नु अस्पताल वाले डॉक्टर बाबू कहत रहे, उन हमें कहा इना कोनो इलाज तो होगा, तो कहत रहे एक ही आदमी तुम्हारे बेटे की जान बचा सकत है, वो डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर शर्मा कहत रहे कि विश्व के विख्यात डॉक्टर है, जो कैंसर का इलाज चुटकियों में कर देते हैं। पर डॉक्टर शर्मा तो मुंबई में रहे थे। बाबू साहब, आप हमारे घर की आर्थिक स्थिति तो देख ही रहे हैं, हम वहां लेके तो नहीं जा सकते। तब से आज तक हम हमारे परमात्मा को याद करके ही कहत रहे, हमारा बिटवा की जिंदगी तू दिया है, तेरी इच्छा होगी तो हमारा बेटा जिएगा, तेरी इच्छा होगी तो हमारा बिटवा मरेगा। ये सोच के हम दिन रात हमारे भगवान को याद करते हैं। आपका बेटा कहाँ है? कहाँ हुआ बाबू साहब, कहाँ हुआ, कहाँ हुआ?
मिश्रा जी साहब, इनको ले जाने की तैयारी करो। जी साहब। बाबू साहब कहाँ ले जाने की बात कर रहे हो? आज जो हुआ वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मैं उसका गुनहगार हूं और उसने मुझे उसकी सजा दी। आज मुझे समझ में आ गया सत्य है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, पालनहारा है जो अपने भक्तों को कभी नहीं तर छोड़ता, किसी भी रूप में आके मदद करता है। आज पता चल गया मुझे, है ईश्वर है। क्या बोल रहे हो बाबू साहब, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। आप जिसकी बात करें डॉक्टर शर्मा, वो डॉक्टर शर्मा मैं ही हूं। मैं हूं वो डॉक्टर शर्मा जो आपके बच्चे का इलाज कर सकता है। वो आपके पालनहारे ने मुझे भेज दिया, उसने मेरा हेलीकॉप्टर बिगड़वाया, उसने मेरी गाड़ी तक खराब कर दी, मुझे पूरी रात जंगल में भटकवाया, उसने मुझे आपके द्वार पर खड़ा किया। आज मुझे समझ में आ गया कि है पालनहारा, वही है जिसने मुझे डॉक्टर बनाया, आपके यहां भेजा। मैं तो यही खामखा सोच रहा था है ही नहीं ईश्वर, आज मुझे समझ में आ गया है कोई तो है जो सृष्टि चलाने वाला है। चलिए